हेलो एवरीवन, आप सभी का इस डाल्टन क्लासेज में मैं नरेश कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस और कंप्लीट साइंस हम करेंगे। आपको साइंस के सिलेबस से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान मेथड से जो हरियाणा बोर्ड और CBSE के अंदर पूछा जाता है, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसके कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे। आपको एक वीडियो कम से कम दो बार देखना है, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करिए, ये हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का अपना पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, शुरू करते हैं। ये लेसन फर्स्ट है 10th क्लास का। इस लेसन के अंदर सबसे पहले थोड़ी बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं। बेसिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज द टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वह परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है उसे क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। और केमिकल चेंज क्या होता है? द टाइप ऑफ चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वह परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। इसके एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिजिकल चेंज जैसे कटिंग ऑफ पेपर को हमने काट दिया बीच से, अब पेपर को काट दिया तो वो कटने के बाद भी पेपर ही रहा, उसमें कोई नया पदार्थ बना क्या? उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ेंगे तब भी कुछ नया पदार्थ बनता है क्या? नहीं बनता है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को मोड़ने से नया पदार्थ बनता है? नहीं बनता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को पिघला दिया, बर्फ के पिघलने से नया पदार्थ बना क्या? पहले भी वाटर था, अब भी वाटर है, उसकी सिर्फ स्टेट बदली है, कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना ना कोई भी नया पदार्थ। तो ये क्या है? सारे के सारे फिजिकल चेंज। क्या है ये? फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज समझिए आप, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर्स, अब पेपर को जलाओगे तो उससे एस मीन राख बनेगी, स्मोक प्रोड्यूस होगा, न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई? तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। और भी काफी सारे एग्जांपल हैं। और एग्जांपल क्या हैं? कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में बदलना, ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। इसमें मिल्क क्या होता है? मिल्क तो नियरली इसका पीएच मान 6 के आसपास होता है, यानी कि ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है ज़्यादा, लेकिन कर्ड दही के अंदर एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बनते हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। डाइजेशन पाचन, डाइजेशन फूड डाइजेस्ट होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी, तो डाइजेस्ट होने के बाद न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे, ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन में हम कौन सी गैस लेते हैं बॉडी के? इन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, रेस्पिरेशन भी क्या है? केमिकल चेंज है।
और भी एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। जैसे ही लोहे को हमने नमी युक्त स्थान पर खुले में छोड़ा तो लोहा जो है एयर से रिएक्ट करके, एयर और वाटर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड की उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका चेंज है? केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो बात समझ आई आपको? फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, केमिकल चेंज जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। इनमें दोनों में ही टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकती है, इस प्रकार के जो चेंजेस हैं वो इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन तक पहुंचते हैं। अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंजेस ओकर, वो रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है, जिनमें केमिकल चेंज हो, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे उन सभी रिएक्शंस को, या फिर दोज रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया, हीट किया, उसको जलाना शुरू किया, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो ये किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शंस, जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट आगे करते हैं हम, आगे इसके बाद केमिकल्स इक्वेशंस, केमिकल्स इक्वेशंस, केमिकल्स इक्वेशन क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशंस केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखना, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? टू राइट द केमिकल रिएक्शंस इन सिंबोलिकली, सिंबल की फॉर्म में लिखना क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या है? ये है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखोगे? Mg प्लस ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे? O2 से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंबल हो गए, सिंबल की फॉर्म में होगी ये रिएक्शन को, सिंबल की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगी? केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी? केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस सिंबल से डिनोट करना केमिकल रिएक्शन को ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। चलिए आगे करते हैं, केमिकल इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं? केमिकल जो इक्वेशन होती है वो जनरली टू टाइप की होती है, केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा टाइप क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है ना,
जो सब्सटेंस उसके अंदर टेक पार्ट करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। छोटा सा टॉपिक मैं अलग से करवाता हूँ तुम्हें। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, ये डेफिनेशन आप राइट डाउन कर लेंगे। रिएक्टेंट्स, दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो भाग लेने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट बोलेंगे, जो बनेगा उसमें उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन एनी केमिकल रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शन में जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को हम लिखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में। रिएक्टेंट को हमेशा हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। और प्रोडक्ट को हमेशा हम लिखेंगे राइट साइड में। प्रोडक्ट को हमेशा हम लिखेंगे राइट साइड में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही क्या बनाते हैं? कंप्लीट केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, और सिंबल की फॉर्म में दिखा देंगे तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। अब केमिकल इक्वेशन टू टाइप की होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? दोज इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स टुवार्ड्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। वे सभी समीकरण जिसमें रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, इसका एग्जांपल लूंगा मैं फिर समझ में आएगा आपको, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, ये क्या हुए? जो रिएक्शन में जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। इनको बोलते हैं प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। या मैग्नीशियम कितना है? सिर्फ एक। इस साइड मैग्नीशियम एक, इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? दो। इस साइड कितने हैं? सिर्फ एक। इक्वल नहीं है ना, तो ये कैसी इक्वेशन होगी? अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल ही नहीं है। हाँ, इसकी डेफिनेशन आप और भी देख सकते हो, इसको लेफ्ट साइड बोल सकते हो और इसको राइट साइड भी बोल सकते हो। दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स टुवार्ड्स लेफ्ट साइड और टुवार्ड्स राइट साइड आर नॉट इक्वल्स, दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या आ जाएगा? अब इसमें तो इक्वल नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? आर इक्वल। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, आप सुन लेना और समझ लेना। दोज इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स टुवार्ड्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, या फिर टुवार्ड्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आर इक्वल्स, दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अभी किसी इक्वेशन को देखो आप, मैग्नीशियम कितने हैं? टू। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं? टू। ऑक्सीजन कितने हैं? टू। यहाँ भी ये दो से मल्टीप्लाई किया हुआ ना, इसका मतलब ये दोनों ही, मैग्नीशियम भी दो हैं और ऑक्सीजन भी दो हैं, तो ये दोनों बराबर है ना टुवार्ड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आया आपको? अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? किसी भी इक्वेशन, अगला क्वेश्चन आप लिखिए, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, कोई भी रिएक्शन हो,
चाहे वो कैसा भी चेंज हो या कोई भी रिएक्शन हो, उसके अंदर पदार्थ सब्सटेंसेस ना तो बनते हैं और ना खत्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार मास को ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है इन एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या फिर फिजिकल रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन में मास को ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो इस लॉ को फॉलो करवाने के लिए वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, हमें एक केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है इस लॉ को फॉलो करवाने के लिए। तो इस लॉ के अनुसार मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म किया जा सकता है, हेंस ए रिएक्शंस वी हैव शुड बी बैलेंस टू ऑबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये समझ आया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक की इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, इसके आगे आप ये बात और लिख लेना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस, हेंस वी हैव टू, आगे लिख लोगे आप, हेंस वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हमें एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। इसके बाद बैलेंस कैसे करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे आज हम। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी स्टेप वे में तैयार करते हैं। जैसे हमने पहली रिएक्शन ली, H2 प्लस O2 क्या बना, H2O। दूसरी रिएक्शन ली हमने, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO। उसके बाद हमने ली एक रिएक्शन, Al एल्यूमिनियम प्लस में क्लोरीन, इसमें बना, इसमें क्या बनेगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो पहले दो ही रिएक्शन देखते हैं, ये ऊपर वाले दोनों रिएक्शन देखेंगे आप। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे, H2 प्लस O2 H2O, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड, सबसे पहले हाइड्रोजन देखो कितने हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, दो, राइट साइड में कितने हैं, दो, लिख दिया हमने। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन दो हैं, राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ एक है। इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस कैसे करने के लिए हमें इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन के नंबर बराबर करने पड़ेंगे, तो हमने इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दो से। इस बात का ध्यान रखें कभी भी मल्टीप्लाई आप जैसे यहाँ पर नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट जो कंपाउंड है, जैसे वाटर क्या क्या है, कंप्लीट कंपाउंड है, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ना कि एक एक अलग अलग एलिमेंट को, वो फिर गलत हो जाएगा। तो हमने ऑक्सीजन को दो से गुणा किया तो पूरे को ही दो से गुणा करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन तो दो हो गई, बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितनी होगी, यहाँ पर दो और दो चार, हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। अब इस साइड चार हैं और इस साइड कितने हैं, दो हैं, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो दुनी चार, इस तरफ कितने हैं, दो दुनी चार, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और इस तरफ भी ऑक्सीजन कितने हैं, दो। ये इक्वेशन अब क्या होगी, बैलेंस्ड क्या होगी, ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं इसको, ये बैलेंस। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं हम, मैग्नीशियम कितने हैं, एक, इस तरफ कितना मैग्नीशियम, एक, बैलेंस है मैग्नीशियम, तो ऑक्सीजन इस तरफ दो है, इस तरफ एक है, इस तरफ भी कितने होने चाहिए, दो, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को ही दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम भी कितने हो जाएंगे,
दो हो गए, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, दो हो गए। ऑक्सीजन तो दो थे लेकिन मैग्नीशियम तो एक है इस तरफ, तो इस तरफ भी हमें इसको दो से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये इक्वेशन क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब नीचे वाली है, एल्यूमिनियम कितने कितना है, एक है इस तरफ, एल्यूमिनियम एक है बराबर है, क्लोरीन दो है और इस तरफ तीन है। तो दो और तीन को कैसे बराबर करोगे, क्लोरीन की संख्या को कैसे बराबर करोगे, थोड़ा सा दिमाग चलाइए आप। अगर आप इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दें और इसको दो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन की संख्या, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लोरीन दो है, तीन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 × 2 = 6। क्लोरीन कितने हैं, थ्री है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6। क्लोरीन के एटम सिक्स हो गए, सिक्स हो गए। एल्यूमिनियम कितने हो गए, लेकिन टू, यहाँ पर एल्यूमिनियम को टू से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड। इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये आयरन है Fe, हमने इसको खुले में थोड़ा वाटर के साथ ये रिएक्ट कर गया, वाटर के साथ रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया, Fe2, sorry Fe3O4 प्लस में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकल गई। आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करो। अब इस इक्वेशन को बैलेंस अगर पूरे तरीके से करें या सीधे भी कर सकते हैं हम, अगर आपको बैलेंस करने आ जाएंगे तो सीधा, बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर बैलेंस करना नहीं आया तो आप उसी प्रकार रिएक्टेंट साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड कितने एटम हैं, एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इतने ही एटम प्रोडक्ट साइड मिलेंगे। ठीक है, आयरन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड एक है, इस तरफ कितने हैं, तीन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, इस तरफ कितने हैं, दो हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, सिर्फ एक है, इस तरफ कितने हैं, ऑक्सीजन चार हैं। तो सबसे पहले आप उस एटम या उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किसके नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन के, कितने हैं, चार, ऑक्सीजन के चार हैं। तो इसको बैलेंस करो, सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे, चार से मल्टीप्लाई कर दिया, चार से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में, तो इसको पूरे से चार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसको पूरे से चार से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन तो चार हो गए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, एट, कितने हो गए, 4 × 2 = 8 हो गए। ठीक है, इस तरफ कितने हाइड्रोजन, दो ही हैं, तो इसको कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ये कितने हो गए, 8, कितने हो गए, 8। समझ आएगी नहीं आई बात। अब ऑक्सीजन चार चार, चार वो हैं और चार इस तरफ हैं, हाइड्रोजन आठ इस तरफ हैं और आठ उस तरफ हैं, आयरन एक है और तीन है। आयरन बैलेंस करना रहता है तो आयरन को रिएक्टेंट साइड तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। तो जितनी भी रिएक्शंस दी हुई हैं इस लेसन के अंदर, वो आपको सभी के सभी इस चैप्टर की बैलेंस करके देखनी है, और कॉपी के अंदर इनको राइट करके देखो और बैलेंस करके देखो, इनकी प्रैक्टिस करो आप। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन मोर परफेक्ट। जितनी ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो आप इसको बैलेंस प्रैक्टिस करो, इक्वेशन को बैलेंस करने सीखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे हम। ये जो इक्वेशन बैलेंस का टॉपिक है, ये हरियाणा बोर्ड में मिनिमम 2 मार्क्स का हर बार आता है, पिछले काफ़ी सालों से लगातार आ रहा है, आगे भी आएगा। आप साइंस का पेपर होगा तो भी इक्वेशन बैलेंस का टॉपिक ज़रूर आएगा, तो यही आपको आज कंप्लीट करना है।